हेलो फ्रेंड्स, मैं रिजु सहाय और वेलकम करता हूँ आप लोगों को मेरा चैनल मॉड्यूल्स गार्डनिंग टेक्निक में। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि आम की मोटा ब्रांच को हम कैसे ग्राफ कर सकते हैं और कैसे उसको ग्राफ करके हम अलग पॉट में लगा सकते हैं। और कुछ दिन पहले मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी। एक बहुत ही मोटा ब्रांच को मैंने छोटे से पॉट में लगाया था, इसको बोनसाई के लिए ग्रो किया था। तो बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझसे कहा था कि कैसे इतनी मोटी ब्रांच को हम ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने जो ये प्लांट है, ये मैंगो का प्लांट है और ये ग्राफ्टेड है, ये मदर प्लांट है, लेकिन मैंने इसको यहाँ से काट दिया है। अब मैं इसको वही ग्राफ करूँगा और जब ये ग्राफ सक्सेस हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ से मैं उसको काट के दूसरी पॉट में लगाऊंगा, क्योंकि मैं इसको बोनसाई बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें चाहिए ये ऐसी छोटी छोटी मैंगो जो बीज से तैयार हुआ हो, ऐसे 1 महीने का या फिर 1.5 महीने का, और उससे छोटा भी ग्रो हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ऐसे लगाएंगे और मैं इसको इस पर 6 लगाऊंगा, 6 प्लांट मैं इस पर लगाऊंगा और उसके बाद इसको एयर लेयरिंग कर दूंगा। तो 2 महीने बाद इसको मैं यहाँ से काट दूंगा और ये अलग प्लांट बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हम कैसे करते हैं।
सर। Thank you.
तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कैसे मैंने इसे ग्राफ किया और बॉन्साई के लिए तैयार किया। और अगर आप चाहो तो आप भी ऐसा कर सकते हो। तो अब मैं क्या करूँगा, 2 महीने बाद इसको नीचे से मैं काट दूँगा, नीचे से काट दूँगा, तो तब इसको मैं बॉन्साई के लिए ग्रो करूँगा। और ये ऑलरेडी मदर प्लांट ही है और बहुत ही कम समय में इसमें फूल आना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे एक ऐसा वीडियो बना के दिखाना था तो मैंने दिखा दिया, और इसकी सक्सेस रिजल्ट जो है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।